हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेक्शन जी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2+ इज इन ए स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 विथ वन रेडियल नोड। अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगो ट्रांजिशन टू ए स्टेट S2। द स्टेट S2 हैज वन रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो आपके पास Li2+ हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस है, जिसमें कि S1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। अब ये फोटोन एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट S2 में चला जाता है। तो S2 का जो एनर्जी है ये हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के इक्वल है, और इसमें भी एक रेडियल नोड है, और S1 के कोरस्पॉन्डिंग भी वन रेडियल नोड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट S1 इज, तो S1 कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है। तो अगर आप ये देखें वन रेडियल नोड, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है N-L-1। अब जो है अगर आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो पता चलेगा सिर्फ 2s में ही वन रेडियन नोड है, बाकी किसी में वन रेडियन नोड नहीं आएगा। इसमें n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, तो 1-0-1, नंबर ऑफ रेडियन नोड 0 हो जाएगा। 2s में 2 माइनस l का वैल्यू 0-1, तो नंबर ऑफ रेडियन नोड 1 आएगा। p है, 2p है, तो n का वैल्यू 2 और p के कोरस्पॉन्डिंग l का वैल्यू 1 होता है। तो 2-1-1, नंबर ऑफ रेडियन नोड 0। 3s में 3-s, सब चले l इक्वल टू 0, 3-0-1, तो ये जो है 3-1 2, नंबर ऑफ रेडियल नोड 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। तो वन रेडियल नोड सिर्फ 2s में ही है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाना चाहिए था। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला याद है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका 2s ऑर्बिटल है। यहाँ पे अगर 3s की जगह 3p लिखा हुआ रहता तब आपको पूरा क्वेश्चन का जरूरत पड़ता, क्योंकि N-L-1 3p के कोरस्पॉन्डिंग 3-p सबसे के लिए l इक्वल टू 1 होगा, तो 3-1 N-L-1 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 3p में भी नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 होता है, तब आपको क्वेश्चन का पूरा पैराग्राफ का जरूरत पड़ेगा कि 2s होगा या 3p होगा। इस केस में तो एक ही के केस में वन रेडियल नोड आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मार दीजिए। यहाँ लिखा हुआ स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट। स्फेरिकली सिमेट्रिकल मतलब शेप जो है स्फेरिकल होना चाहिए। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, पी के कोरस्पॉन्डिंग तो शेप डम्बेल हो जाता है, तब आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नंबर ऑफ रेडियन नोड 2s और 3p दोनों में 1 ही होगा, लेकिन स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट आपका 2s ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा। 1s भी होगा, लेकिन 1s में नंबर ऑफ रेडियन नोड 0 आ जाएगा, नंबर ऑफ रेडियन नोड 1 चाहिए, तो 2s होगा, तब तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर यहाँ ऑप्शन में 3p रहता तो ये तो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही पता चल रहा है सिर्फ 2s में ही वन रेडियल नोड है, तो डायरेक्ट आंसर बी होगा। S1 स्टेट आपका 2s है। इनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट इनर्जी। तो S1 स्टेट में कितना इनर्जी होगा हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के टर्म में बताना है। मतलब हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट का एनर्जी अगर एक्स है तो S1 कितना एक्स होगा ये बताना है। तो एनर्जी ऑफ एंथ ऑर्बिट होता है -13.6 Z²/n². हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट मतलब हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट स्टेट, इसका एनर्जी होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू 1 और ग्राउंड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 1, तो एक्स आपका हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2s एन इक्वल टू 2 है और Li2+ है, मतलब जेड इक्वल टू 3, तो एनर्जी ऑफ एंथ ऑर्बिट होगा -13.6 Li2+, तो एटॉमिक नंबर 3, तो 3 का स्क्वायर Z²/n², n का वैल्यू 2 है, तो 2² 4, तो 9/4 इंटू -13.6 इंटू एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। 9/4 को आप 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 इंटू एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम का 1.5 टाइम्स एनर्जी होगा S1 स्टेट का। सेकंड का आंसर बी। उसके बाद
द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम काउंट ऑन नंबर ऑफ द स्टेट एस टू इज। एस टू क्या है? एस टू आपका वो स्टेट है जिसमें कि एक फोटोन जो है एस वन से एक्साइट होके जाता है और इस एस टू ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर हो जाता है। तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना आया, इतना के बराबर एनर्जी होना चाहिए, इक्वल होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना। एल आई टू प्लस है तो जेड का वैल्यू है 3 स्क्वायर, तो एन का भी वैल्यू होगा 3, तभी 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। या फिर इसको आप एन मान के सोल्व कर लीजिए, तो -13.6 -13.6 कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यहाँ से n इक्वल टू 3 आता है। तो S2 आपका थर्ड स्टेट है और इसमें बोल रहा है कि 1 रेडियल नोड है, n इक्वल टू 3 है, तो 3 - L - 1 ये 1 के इक्वल होगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड होता है n - L - 1 और ये 1 दिया हुआ, तो यहाँ से L का वैल्यू आएगा 3 - 1 - 1। L इस तरफ आएगा, 1 इस तरफ आके माइनस में होगा, तो L इक्वल टू 1 मतलब पी सबसेल है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 मतलब 3P सबसेल है। तो हमको S2 पता चल गया, तो S2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होगा? पी सबसेल है, तो पी का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों एक ही चीज होता है, मतलब L का वैल्यू बताना है, तो L इक्वल टू 1 होगा ऑप्शन बी। इसके बाद जो है सेक्शन एच इंटीजर टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस इज। तो यूरेनियम से लीड बनता है, तो इसमें टोटल कितना अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इमिट होगा ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि एक्स अल्फा पार्टिकल्स इमिट होता है, हीलियम 2 4 अल्फा पार्टिकल्स प्लस बाई बीटा पार्टिकल्स, तो एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, सॉरी एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताना है। मास नंबर 238 इक्वल टू 214 प्लस एक अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4u, तो एक्स अल्फा पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग मास होगा 4 × xu, तो +4x प्लस बीटा पार्टिकल का मास तो 0 होता है, तो कितना भी बीटा पार्टिकल रहे उससे मतलब ही नहीं है, +0 ही होगा। 4x = 238 - 214, इसका वैल्यू आएगा 24। 4x = 24 इंप्लाइज x = 6, तो 6 अल्फा पार्टिकल इमिट होगा। अब जो है चार्ज बैलेंस कर दीजिए, 92 = 82 प्लस 6 × 2, एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2, तो 6 × 2 प्लस बीटा पार्टिकल का -1 बाई बीटा पार्टिकल है, तो प्लस बाई इंटू -1 मतलब आप माइनस बाई कर दीजिए, प्लस माइनस बाई या माइनस बाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। 82 + 12 = 94, 92 = 94 - 2, यहाँ से बाई इक्वल टू आएगा 94 - 92 2, तो 2 अल्फा पार्टिकल इमिट होगा। तो टोटल अल्फा और बीटा पार्टिकल कितना इमिट होगा? 6 + 2 8, आपका आंसर 8 होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इमिटेड व्हेन यूरेनियम 235-92 अंडरगोज कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन टू जेनोन एंड स्ट्रोंटियम। तो इसमें भी मानिए कि एक्स न्यूट्रॉन इमिट होता है यूरेनियम 235-92, इससे जेनोन 54-142 प्लस स्ट्रोंटियम 90-38, और साथ में एक्स न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है, तो प्लस एक्स न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा 0, मास होगा 1, तो मास को इक्वेट कीजिए, 235 = 142 प्लस 90 प्लस न्यूट्रॉन पे मास होता है 1u, एक्स न्यूट्रॉन के कारण मास होगा एक्स यू प्लस एक्स, तो यहाँ से 142 + 90 232 आएगा, 235 = 10 + x, तो x का वैल्यू होगा 3, मतलब 3 न्यूट्रॉन इमिट होगा इस
न्यूक्लियर फिजन में। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इमिटेड इज 3, आंसर होगा सेकंड का 3। थर्ड क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन 5 ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो। द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल इज। तो मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन अगर मेटल पे स्ट्राइक करेगा तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। मतलब 300 नैनोमीटर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगा फोटोन का, ये जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो जिस भी मेटल का वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगा इस फोटोन का, उस केस में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होगा, 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो 1240 अपॉन 300, 124 अपॉन 30, इसका वैल्यू आएगा 4.13। तो जो फोटोन मेटल पे पड़ेगा उसका एनर्जी है इतना, तो वर्क फंक्शन इससे कम जिस मेटल का होगा उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। 4.13 से कम एनर्जी, 2.4 लिथियम मेटल शो करेगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन का वैल्यू कम है एनर्जी ऑफ फोटोन से। 2.3 ये भी करेगा, 2.2 करेगा, 3.7 करेगा, 4.8 ये जो है 4.13 से ज्यादा है तो कॉपर मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। 4.3 ये भी ज्यादा है तो वर्क फंक्शन ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करेगा। आयरन 4.7 नहीं करेगा, 6.3 नहीं करेगा, 4.75 नहीं करेगा। तो ये सब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। 1, 2, 3, 4, चार मेटल जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, तो आपका आंसर 4 होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर -8। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा जिसका कि स्पिन क्वांटम नंबर -8 होगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है एन ऑर्बिट में, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है एन स्क्वायर, मतलब एन इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल 9 ऑर्बिटल होगा और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 9 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जिसमें से कि 9 इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ होगा और 9 इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ होगा। तो मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन ही होगा जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू माइनस हाफ होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से, अगर इससे आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो इस तरह से सोचिए, एन इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एल का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो एल जो है 0 to n-1 तक वेरी करता है, मतलब एल का वैल्यू 0 होगा, एल का वैल्यू 1 होगा और एल का वैल्यू 2 होगा। एल का वैल्यू 0 मतलब एस सबसे, एल का वैल्यू 1 मतलब पी सबसे, एल का वैल्यू 2 मतलब डी सबसे। तो एन इक्वल टू 3 में आपके पास 3 सबसेल है, एक एस सबसेल, एक पी सबसेल, एक डी सबसेल। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। अब मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है इन 9 ऑर्बिटल में, 1 + 3 + 5 टोटल 9 ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 + 2 + 2 तीन ऑर्बिटल से कॉरस्पॉन्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। दो में से एक का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ। सिमिलरली इसमें भी एक का प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ, एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ। तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ वाला है। तो मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड सेल में हो सकता है जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस हाफ है। मिनिमम, तो मिनिमम तो 0, पूरा खाली ही रहे थर्ड सेल में, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, तो मिनिमम तो कभी पूछेगा ही नहीं। या अगर पूछेगा तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट, द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियोन आर 4 and 20 AMU रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस एट -73 डिग्री सेल्सियस इज m टाइम्स दैट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नियोन एट 727 डिग्री सेल्सियस m इज।
यहाँ पे आपको m का वैल्यू बताना है। एक्चुअली में ये जो है अगला चैप्टर गैसियस स्टेट पढ़ने के बाद आपसे अच्छा से हो जाएगा। वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू होता है h अपॉन अंडर रूट 2 × मास × काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर ये पॉइंट पता है तब आपसे हो जाएगा। अभी बस ये ध्यान रखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक्स टी, एक्स आपका कॉन्स्टेंट होता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा गैसियस स्टेट के टाइम। तो हीलियम एटम के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम क्या होगा, एच अपॉन अंडर रूट 2 × मास 4 × काइनेटिक एनर्जी एक्स टाइम ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ -73 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस +273। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -73 है +273, तो टेम्परेचर हो जाएगा 200 केल्विन। तो काइनेटिक एनर्जी होगा x × 200, और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन, इसका दोनों का रेशियो ले लीजिए, h अपॉन अंडर रूट 2 × मास दिया हुआ है 20 × x × टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस में है। तो केल्विन के लिए +273 ऐड करना होगा, तो 727 +273, इसका वैल्यू आएगा 1000 केल्विन, 20 1000। यहाँ 4 और 20 एक्चुअली में आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फाइनली ये रेशियो है तो कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा। तो यू में अगर दोनों के लिखिए या दोनों को कैंसिल, सॉरी दोनों को केजी में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम ही आएगा। एच से एच कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट 4 से 5 टाइम, एक्स से एक्स कैंसिल आउट। ऐसे हम एक्स का वैल्यू भी बता देते लेकिन उसका जरूरत ही नहीं है, क्या कांस्टेंट रहता है टी के साथ, नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट ये सब पे डिपेंड करता है, रहने दीजिए इसको 200 को 5 टाइम्स। तो ये जो है ऊपर जाएगा, ये वाला एच अपॉन दिस जो है ये ऊपर जाएगा, बाकी यहाँ तो एक भी नहीं बचा, ये अंडर रूट 5 × 5 होगा, तो ये 5 होगा। वेवलेंथ ऑफ हीलियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ नियॉन इक्वल टू 5, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम इक्वल टू 5 टाइम्स डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन, वही तो है। द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एट दिस टेम्परेचर इज एम टाइम्स, 5 टाइम्स है, तो एम का वैल्यू 5 होगा, तो इसका आंसर 5 आएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।